हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, सबके काम स्टार्ट हो गए हैं, सुबह हो गई है, डेली रूटीन के मेरे भी तो स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग के भी स्टार्ट हो गए। अभी सुबह के बज रहे 8, तो सुबह का जो अपना काम होता है, मैं चाय वाय और थोड़ा रनिंग वनिंग हो गई है। ब्रेकफास्ट में मैं हरा चना की घुघरी एंड चूरा रोस्टेड बनाएंगे आज, ठीक है? चूरा रोस्टेड एंड हरे चने की घुघनी ब्रेकफास्ट में है मेरा मेन्यू आज का। तो चलिए, अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे किचन में। तब तक मैं आप लोगों को अपनी एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, वो देखिए ये क्या है। ये अश्वगंधा के ये पेड़ है। तो अश्वगंधा के पेड़, अश्वमीन्स तो आप लोग जानते ही है गाइस, घोड़ा होता है। तो इसके पत्ते बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है? तो ये तीन पत्ते सुबह एंड तीन पत्ते आप शाम को खाते हैं तो ये वेट लॉस में बहुत ही कारगर है, बहुत ही फायदेमंद है पत्ते। इसको खाली पेट में, मैंने इसको धो लिया, वॉश कर लिया अच्छे से, इसको खाली पेट में मैंने अभी खाली पेट है, ठीक है? तीन पत्ते सुबह और तीन पत्ते शाम को खाइए, इस पत्ते के बहुत ही फायदेमंद है। ये अश्वगंधा का देखिए। तो आप लोगों को मैं फ्रेंड्स ये बताना चाहूँगा, अश्वगंधा के पेड़ के क्या फायदे, पता कैसे लगेगा कि आपके ओरिजिनल प्लांट है? तो इसमें देखिए, इस तरह की ये बीज आती है, देखिए इस तरह के, जिस तरह के इस पौधे में, ये ओरिजिनल पेड़ है, ये ओरिजिनल प्लांट है, देख रहे हैं? अभी बिल्कुल नए नए पत्ते आए हैं। तो चलिए गाइज, मेरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए, मैं अब जा रही हूँ किचन में। मेरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी रेखा। तो आज क्लासी रेखा कौन सी रेसिपी देने वाली है? तो आज हम बनाएंगे हरे चना की घुघनी, हरे चने की घुघनी एंड चूड़ा फ्राई करेंगे। तो हरे चने की घुघनी के साथ पराठा पूरी जो भी खा सकते हैं, रोटियाँ पराठे, लेकिन मैं चूड़ा फ्राई एंड घुघनी हम बना रहे हैं। मस्टर्ड वाल रिफाइंड और कुछ भी दे सकते हैं, मैं मस्टर्ड वाल डाल रही हूँ, ओनली 1 स्पून है, बिल्कुल लिटिल, थोड़ी सी मैंने दिया, ठीक है? अब जब थोड़े गर्म हो जाएंगे तो तड़का के लिए जीरा डालेंगे। यह है हरा चना, अभी तो सीजन में मिल रही हरा चना, अभी मीठे मीठे बहुत दाने, बहुत अच्छे लग रहे, ऐसे भी कच्चे भी खाने हैं, बहुत टेस्टी लग रहे हैं। देखिए हरा चना है ये, और देखिए जीरा चटक गया, एंड हम क्या डालेंगे अब, एक ग्रीन चिल्ली कटे हुए, इसी के साथ ये डाल देंगे, बारीक चॉप 2 प्याज है, मैंने बारीक चॉप किया है, इसको भी डाल देंगे। साथ साथ फ्राई होगा, चना को मैंने अच्छे से धो लिए थे। इधर दूसरी चूल्हा पे देखिए, चूड़ा भी भून लेंगे, गैस को ऑन कर दिए, चूड़ा को भूनने के लिए मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, चूड़ा मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करने से या भूनने से अच्छे टेस्ट आती है। इस चूड़ा के लिए मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट करके रख लिया है, देखिए गाइस, और ये है चूड़ा है, थोड़ा सा ये काला सरसों देंगे, एक बड़े साइज के प्याज से मैंने इसको इस तरह से चॉप करके रखा है, देखिए, और इसके साथ एक ग्रीन चिल्ली है 2, इसको भी डाल देंगे।
इसमें ही करी लीफ डाल देंगे। पहले अगर डालते हैं तो जल जाते हैं, इसके टेस्ट थोड़ा ज़्यादा जल जाने से टेस्ट खराब हो जाते हैं। जब भी चूड़ा फ्राई करें तो करी पत्ता जरूर यूज करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छे आते हैं। और ये काला सरसों से अब इसमें क्या करेंगे, नमक मैंने नहीं दिया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक दे देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि मैंने ग्रीन चिल्ली भी यूज किया है। हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, इसके साथ ही क्या करेंगे, चूड़ा को भी डाल देंगे। बस बिल्कुल धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको भूनेंगे, फ्लेम बहुत स्लो कर देंगे, बहुत अच्छे से भुनाएंगे स्लो फ्लेम से। इसमें ज़्यादा मसाला देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा मसालों से इसके मीठापन का टेस्ट जो है चला है। बस थोड़े से ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, बस अब पानी दे देंगे। ज़्यादा भूनेंगे तो इसके ग्रेवी जो है चला जाएगा, इसलिए बहुत थोड़ा सा पानी देंगे, कवर करके ऐसे छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे, चूड़ा में काला नमक का टेस्ट अच्छा लगता है, टेस्ट थोड़ा इसका बढ़ जाता है। बस इसको स्लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे, रोस्ट बहुत ही अच्छे होंगे। घुगनी तैयार, घुगनी तैयार हो गया, गैस को ऑफ कर दिए हैं। अभी तो बहुत ही चना जो बहुत ही चकचक चना है, अभी बहुत ही मीठे मीठे चना आ रहे हैं, तो ज़्यादा भूनेंगे तो इसका जो जितना न्यूट्रिशंस है वो चले जाएंगे। अब ये ऑलमोस्ट ये चूड़ा रोस्ट हो चुका है, मैंने इसको रोस्ट किया है। अगर चूड़ा फ्राई में तो आप डालेंगे रिफाइंड ऑयल और निकाल लेंगे, तो मैंने कम तेल में इसको धीमी धीमी आँच पर रोस्ट किया है। अब मैं इसको खा कर देख भी रही हूँ, ये तैयार हुआ है, ये बिल्कुल अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे रोस्ट हुआ है। अब क्या करेंगे कि गैस को ऑफ कर देंगे, ये हमारा तो मूंगफली फ्राइड है, इसको भी मिक्स कर देंगे, इतना ज़्यादा नहीं देंगे। घुगनी फड़ी सर्व करने के लिए तैयार है। ग्रेटिंग गाजर से इसको थोड़ा गार्निश कर देंगे, ग्रेटिंग गाजर है, सीजन में गाजर आ रहे हैं, गाजर खाइए, गाजर अच्छी चीज। और ये थोड़ी सी धनिया पत्ती, और ये मिर्ची तो मैंने चूड़ा के साथ ही फ्राई किया था, देखिए आप ऊपर से भी दे सकते हैं 1-2 मिर्च। और ये लजीज यमी फ्रेंड्स, घुगनी एंड रोस्टेड चूड़ा, ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, और मैं खाकर प्लेटिंग करके टेस्ट करके आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। ये देखिए दोनों को मिक्स कर लेंगे ऐसे ऐसे मिक्स करके खाएंगे, जैसे भी मन है, चपाती के साथ, पूड़िया के साथ, जैसे भी खा सकते हैं। हरा चना के तो सीजन है, और अभी चूड़ा, कभी चूड़ा मटर की भी रेसिपी मैं दूंगी, पोहे की रेसिपी दूंगी, इसका चना मसाला घुगनी, हरे चने के मसालेदार घुगनी की भी रेसिपी मैं दूंगी।
बहुत ही रोस्ट बहुत अच्छा। देखिए कम तेल में मैंने चूड़ा को जो रोस्ट किया धीमे धीमे से बहुत ही अच्छे रोस्ट हुए हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, तोड़ के मैं बताती हूँ। देखिए देखिए एकदम क्रस्ट हो जा रहे हैं चूड़ा। देखिए हाथों से भी मत लेंगे। देखिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा चूड़ा रोस्ट हुआ है कम तेल में। रेसिपी जो है बहुत कम तेल में मैंने बनाया है, हेल्थ कॉन्शियस बहुत हेल्दी रेसिपी है ये। और चूड़ा तो अभी सीजन में अच्छा लगता है, चना तो फायदेमंद होते ही हैं। तो गाइस, तो आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइब उनको थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।